हेलो स्टूडेंट्स, तो आज पढ़ लेते हैं बीएससी फोर्थ सेमेस्टर बोटनी यूनिट फर्स्ट के कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो इस साल आने वाले हैं। और यूनिट फर्स्ट का जो नाम है वो है ओरिजिन एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ कल्टीवेटेड प्लांट्स। तो जितने भी क्वेश्चन मैं करवाऊँगा वो सारे के सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। बस यही क्वेश्चन पढ़ के जाएँ और 100% श्योर कि यही क्वेश्चन पेपर में आएंगे भी, क्योंकि इस बार आपका पैटर्न ऑब्जेक्टिव वाइज है, थ्योरी वाइज नहीं है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पढ़ो जो पेपर में आए पक्का, क्योंकि भाई इतने मॉडल पेपर में इतने सारे क्वेश्चन हैं यार, सभी थोड़ी ना आ जाएंगे। तो मोस्ट क्वेश्चन आएंगे और वही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूँ, ठीक है। पहला क्वेश्चन बताओ जरा सर कौन सा होगा। तो पहला क्वेश्चन ही मैं ले रहा हूँ, चावल तो आपने खाए होंगे। अब भैया मोटे का चावल, बारीक का चावल, अरे पता ना कौन कौन चावल है। तो चावल का जो वनस्पति नाम है वो चेक कर लेते हैं एक बार, क्या होगा चावल का वनस्पति नाम, बताओ बेटे जरा क्या होगा। आज देखता हूँ ये तो याद होगा, वनस्पति नाम, चावल का वनस्पति नाम है। चलो ऑप्शन में दे रहा हूँ, अबे ऑप्शन देने की तो ज़रूरत ही नहीं है, आपको याद होना चाहिए यार क्या ऑप्शन दो इसके लिए मैं आपको। है एवेना सेटिवा, अरे कितना शानदार नाम है, देखो एवेना सेटिवा। सेकंड ऑप्शन है मेरे पास, सेकेंड ऑप्शन मेरे पास है जियामेकस, जियामेयस, ठीक है जियामेयस, ठीक है। अच्छा सर सेकंड थर्ड ऑप्शन बता दो, ओराइवा, क्या नाम है ओराइवा सेटिवा। अबे यार कितने शानदार शानदार नाम आ रहे हैं, देख रहे हो आप। इसके बाद मेरे पास एक नाम आता है, बताना ज़रा आपका सिनामोमम, ठीक है भाई जेलेनिकम। यार कितना शानदार नाम है, कितने बड़े नाम है, जरा मुझे बताओ चावल का वनस्पति नाम कौन सा है इनमें से। बेटा ये तीनों के तीनों, चारों के चारों मैं लिख पाऊंगा, सबके अपने अपने नाम है। एवेना सेटिवा क्या मेरे पास चावल का वनस्पति नाम है, ओके याद कर लो एवेना सेटिवा चावल का वनस्पति नाम है। और ये जियामेकस किसका नाम होता है, फंस गए बेटे आप, जरा मुझे बताओ। क्वेश्चन नंबर सेकंड में यही लेने वाला हूँ, क्वेश्चन नंबर सेकंड में यही लेने वाला हूँ, दालचीनी, दाल में चीनी, अरे नहीं ऐसा नहीं है यार, दालचीनी का वनस्पति नाम क्या होगा, वनस्पति नाम क्या होगा, वनस्पति नाम जरा मुझे बता दो भाई क्या होगा। दालचीनी का वनस्पति नाम है, क्या है यार मुझे तो पता ही नहीं है भाई, दालचीनी का वनस्पति नाम है, क्या नाम है इसको, याद करो हटाओ यहाँ से। चावल का जो वनस्पति नाम है वो कौन सा है, एवेना सेटिवा है, ठीक है। और दालचीनी का जो वनस्पति नाम है वो कौन सा है, ये वाला सिनामोमम जेलेनिकम। ऑप्शन लिखने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली इसका आंसर लिख दियो आप, क्या नाम है सिनामोमम, ठीक है जेलेनिकम, ओके जेलेनिकम। अच्छा मक्का का नाम सुना आपने, मक्का भुंटा देखा होगा आपने, खाया होगा। अबे जोलॉजी है यार ये, तो ऐसे ऐसे बड़ी यूज होंगे, केमिस्ट्री थोड़ी ना है। तो मेरे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड में अगर लूँ तो थर्ड में क्वेश्चन लूँ, अगर मैं थर्ड क्वेश्चन लेता हूँ भाई तो थर्ड मेरे पास क्वेश्चन आता है मक्का का वनस्पति नाम क्या है, मक्का का वनस्पति नाम, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, मक्का का वनस्पति नाम क्या, पक्का एक फंसेगा इन तीनों में से, पक्का एक क्वेश्चन फंसेगा, कोई सही फंस जाए। मक्का का वनस्पति नाम है, क्या नाम है मैं लिख दे रहा हूँ डायरेक्टली, तो मक्का का वनस्पति नाम क्या है जियामेयस, बस याद कर लो ठीक से और बस ध्यान में फंसा लो कि भाई हाँ यार इस क्वेश्चन का ये वाला आंसर होगा। तो कुछ तो तुक्के भी काम कर जाते हैं अगर आपने पढ़ रखे हैं तो, वरना अगर ना पढ़ा तो यहाँ पे कोई तुक्का भी काम ना करता, ले भैया उल्टा उल्टा मार का कोई फायदा नहीं होगा उसमें। तो क्वेश्चन नंबर चार मेरे पास आता है, देखो अच्छा मुझे क्वेश्चन नंबर चार ये बताओ बेटे, चावल किसका प्रमुख स्रोत है, चावल किसका प्रमुख स्रोत है, प्रमुख स्रोत। अच्छा आपने वो प्याज का भी माड़, चावल की यार माड़ होती है, चावल तो बहुत खाए होंगे, चावलों का जब बोला है पीच, ठीक है नहीं, यानी कि जब चावल होया बहुत ज़्यादा पानी हो जाता है तो एक सफ़ेद रंग का पदार्थ ऊपर इकट्ठा हो जाता है, ऐसा बोलते हैं स्टार्च। तो भैया चावल किसका प्रमुख स्रोत है, स्टार्च का, ओके सर किसका है स्टार्च का, ये मैंने लिख दिया ऑप्शन में। सेकेंड ऑप्शन मैंने दिया है आपको कार्बोहाइड्रेट का, कार्बोहाइड्रेट, हाँ भाई कार्बोहाइड्रेट होती है स्टार्च में, स्टार्च में कार्बोहाइड्रेट होती है। थर्ड नंबर मेरे पास बसा, ठीक है फिर मेरे पास फोर्थ नंबर मेरे पास आ जाएगा तुम्हारे पास खनिज लवण, खनिज लवण, ठीक है खनिज लवण। बताओ जरा इसमें से कौन सा मेरा राइट आंसर है, चावल किसका प्रमुख स्रोत है स्टार्च का, और कार्बोहाइड्रेट भी इसका राइट आंसर हो सकता है अगर स्टार्च ना दे रखा हो तो, ओके क्योंकि कार्बोहाइड्रेट यानी कि स्टार्च भी क्या होता है तुम्हारे पास, कार्बोहाइड्रेट होता है जो बॉडी में जाकर एनर्जी देता है। अगर ऑप्शन में स्टार्च है तो स्टार्च लिखाना, अगर कार्बोहाइड्रेट है तो कार्बोहाइड्रेट लिखाना, ओके। तो क्वेश्चन नंबर फाइव मेरे पास है, ध्यान देना बेटे क्वेश्चन नंबर फाइव, क्वेश्चन नंबर फाइव है मेरे पास, लौंग क्या है,
पहनने वाली लोंग नहीं, लोंग है। लोंग क्या होता है? लोंग जड़ होती है, पत्ता होता है, तना होता है, या फूल की कली होती है। तो फूल की कली होती है लोंग, जो होता है ना वो फूल की कली होती है। ध्यान देना बेटे, लोंग क्या है? फूल की कली। ऑप्शन पहला दे रहा हूँ मैं करने के लिए, फूल की कली, क्योंकि ऑप्शन पता होने चाहिए ना यार, तभी तो लगाओगे फूल की कली। ओके सर, फूल की कली। अच्छा सेकेंड नंबर मेरे पास पत्ती, अबे यार पत्ती कैसे हो जाएगी। दूसरा नंबर मेरे पास फल, फल भी नहीं होता। और फोर्थ नंबर मेरे पास जड़, अरे यार जड़ कैसे हो जाएगा। क्या मेरे पास ऑप्शन? फूल की कली। तो लौंग क्या है? फूल की कली है। ध्यान देना, लौंग क्या? फूल की कली है। बस याद कर लो कि लौंग क्या है यार, फूल की कली है बस, ठीक है नहीं। तो कितने क्वेश्चन हो गए? 5 क्वेश्चन हो, बिल्कुल ईजी है। और पेपर में आगे भी इनमें से क्वेश्चन, ध्यान देना सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 6 ले रहा हूँ बेटे। क्वेश्चन नंबर 6 है मेरे पास, चेक कर लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 6 कौन सा है ये बताओ ज़रा। दाल का प्रमुख स्रोत क्या है? दाल का, दाल प्रमुख स्रोत किसकी है? दाल का नहीं, दाल प्रमुख स्रोत है, दाल प्रमुख स्रोत है। तो बेटे इसका आंसर राइट क्या होगा? प्रोटीन का। किसका होता है? प्रोटीन, क्योंकि दाल में प्रोटीन की मात्रा भर भर के होती है, भरपूर होती है। तो प्रोटीन का इसका आंसर हो जाएगा मेरे पास, किसका बेटे? प्रोटीन का। तो दाल प्रमुख स्रोत है किसका? प्रोटीन का। दाल किसका प्रमुख स्रोत है? प्रोटीन का प्रमुख स्रोत है। ओके सर, दाल प्रोटीन का प्रमुख स्रोत है। हाँ यार, दाल प्रोटीन का प्रमुख स्रोत है। लो साहब, लिख दिया मैंने। और ऑप्शन देगा, कार्बोहाइड्रेट देगा आपको, खनिज लवण दे देगा आपको, स्टार्च दे देगा आपको, बहुत सारे एग्जांपल देगा, पर अपने एग्जांपल से नहीं हटना आपको। ओके सर, चलो साहब। अच्छा मैं एक क्वेश्चन और लिखवाने वाला हूँ आपको। गोल्डन राइस किसका स्रोत है? क्वेश्चन नंबर मेरे पास कौन सा? 7 आने वाला है बेटे। क्वेश्चन नंबर 7 है गोल्डन राइस। ओके सर, गोल्डन राइस, ध्यान देना बेटा, बोल पे रहा, गोल्डन राइस किसका प्रमुख सोर्स है, प्रमुख स्रोत है? जरा मुझे बताओ, गोल्डन राइस किसका प्रमुख स्रोत है? ओके सर, पहला नंबर अगर मैं लिखूं तो मुझे बताओ जरा, गोल्डन राइस विटामिन ई का? अबे विटामिन क्या होते हैं भाई? विटामिन ए का देखते हैं। सेकंड नंबर विटामिन बी का, ये भी चेक कर लेते हैं। थर्ड नंबर विटामिन सी का, ये भी हम चेक कर लेंगे, विटामिन सी के बारे में भी हम चेक कर लेंगे। ओके, और फोर्थ नंबर मेरे पास है विटामिन डी का, ये भी हम चेक कर लेंगे। तो हमारा राइट आंसर कौन सा है? विटामिन ए हो गया, ठीक है। तो विटामिन ए भर भर के पाया जाता है किसके अंदर? गोल्डन राइस के अंदर। राइस मतलब चावल ही होता है, ठीक है, एक चावल की क्वालिटी होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 8 आ जाता है मेरे पास, एक छोटा सा क्वेश्चन, बच्चों वाला क्वेश्चन, और वो आ जाता है, जरा मुझे ये बताओ बेटे, सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी के 3 E हैं। कितने ई हैं? 3 E हैं। याद तो होगा है भाई, याद तो होगा। चलो मैं लिखूं, पहला ऑप्शन लिखूं जरा मैं। देखो पहला ऑप्शन मेरे पास है अर्थव्यवस्था। ओके सर, पहला ऑप्शन है अर्थव्यवस्था, ठीक है। दूसरा मतलब इसी का ही है, क्योंकि 3 E है ना, तो 3 भाग होंगे इसके, अर्थव्यवस्था, फिर परिस्थिति की, परिस्थिति की, और तथा मेरे पास एक ऑप्शन और है इक्विटी, इक्विटी, इक्विटी। जरा मुझे बताओ इसका राइट आंसर कौन सा, ठीक है। देखो राइट आंसर 4 ऑप्शन में आपको दे दूंगा, लेकिन मुझे देने का फायदा लग नहीं रहा क्योंकि बड़े होंगे। बस अपना ध्यान देना, पहला होगा अर्थव्यवस्था, फर्स्ट ही अर्थव्यवस्था है, सेकंड ई क्या है मेरे पास? परिस्थिति की है, और थर्ड ई जो है मेरे पास वह है इक्विटी, ठीक है। ये 3 E होते हैं। अगर ऐसी पूछता तुमसे कि भाई क्वेश्चन नंबर 9 में तुमसे पूछ लिया कि यार सस्टेने, ओके सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी के 6 R होते हैं, 6 R होते हैं, ये भी बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। 3 E और 6 R भी बहुत, एक क्वेश्चन फंसेगा दोनों में से, चाहे कुछ भी हो जाए, आंधी आए तूफान आए, इन दोनों में से एक क्वेश्चन फंसने वाला। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान दो, फोकस करो। सस्टेनेबिलिटी के 6 R होते हैं। 6 R कौन कौन से होते हैं? पहला R बताओ जरा मुझे कौन सा? पहला R होता है पुनर्विचार करें। क्या करें बेटे? पुनर्विचार करें, पुनर्विचार करें, ठीक है, पुनर्विचार करें, ठीक है भाई। दूसरा कौन सा है? ठीक है, पुनर्विचार करें। अच्छा मैं दूसरे नंबर पे लूँ तो पुनर्विचार करें, कम करें, ठीक है, कम करें, मरम्मत करें, ठीक है, रिसाइकिल करें, पुनः उपयोग करें, ये सब इसके यूज़ होते हैं। तो देखो पुनर्विचार करें, ओके, मरम्मत करें, मरम्मत करें, ठीक है, कम करें,
ओके, कम करें, पुनः उपयोग करें, पुनः उपयोग करें, पुनः उपयोग करें, ठीक है, एक दो तीन चार पांचवा रिसाइकल करें, रिसाइकल करें, ओके रिसाइकल करें, और बेटे तथा एक लास्ट रह गया है मना करें, मना करें। ये होते हैं बेटे सिक्स आर, ठीक है, थ्री भी हो गए और सिक्स आर भी हो गए। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा पेपर में ये, और डीपली पढ़ने की जरूरत है नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव वाइज अब है यार, तो तुम्हें फ़ायदा किस चीज़ का, फ़ायदा उठाओ ना इस चीज़ का कि सारे के सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव वाइज हो रहे हैं। तो अपने पे ध्यान दो यार, सारे के सारे ऑब्जेक्टिव पढ़ के जाओ। क्वेश्चन आप कितने क्वेश्चन हो गए मेरे पास, नौ क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर टेन में एक क्वेश्चन और लिख रहा हूँ, और इस क्वेश्चन पर थोड़ा बेटा ध्यान देना है बढ़िया करके। बस हल्दी का ध्यान देना बेटा ज़रा लाइन पे, हल्दी का देखो, हल्दी का कौन सा भाग, हल्दी का कौन सा भाग, ठीक है, मसाले के रूप में प्रयोग होता है, मसाले के रूप में प्रयोग होता है। देखो इसका आपका ना आंसर क्या होगा, देखो प्रयोग होता, मुझे पता क्या आंसर होगा इस सवाल का आपका। पहला ऑप्शन है प्रकंठ, प्रचंड प्रकंठ। सेकंड नंबर है मेरे पास जड़, और थर्ड नंबर है मेरे पास तना, और चौथा नंबर है मेरे पास पत्ती, ठीक है। जरा मुझे बताओ राइट आंसर कौन सा बेटा इसका, तो जड़ तो तुम्हें लग रहा होगा ना, इसका राइट आंसर आपको लग रहा होगा जड़, है ना, मुझे पता है कि हल्दी में कौन सा भाग मसाले के रूप में प्रयोग होता है, तो आप बताओगे जड़, लेकिन नहीं होता, प्रकंठ यूज़ होता है, जड़ के ऊपर वाला भाग होता है प्रकंठ। तो प्रकंठ जो होता है वो हल्दी का कौन सा भाग मसाले के रूप में प्रयोग होता है, तो प्रकंठ जो होता है वो मसाले के रूप में यूज़ होता है। क्वेश्चन कितने हो गए मेरे पास, 10 हो गए, तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा ये बताओ, चाय जो होती है वो किसके पत्तों से प्राप्त होती है, उस पौधे का नाम क्या होता है। पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ 11 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है मेरे पास, चाय, चाय किसके पत्तों से प्राप्त होती है, किसके पत्तों से प्राप्त होती है, किसके पत्तों से प्राप्त होती है। हाँ सर प्राप्त होती है, पर बताओ जरा मुझे भाई किसके पत्तों से प्राप्त होती है, अबे नाम क्या है उस पौधे का, क्या नाम है, कैमेलिया। अरे कितना शानदार नाम है, कैमेलिया साइनेसिस, ध्यान देना कैमेलिया साइनेसिस। अब भैया बहुत सारे ऑप्शन होंगे, लेकिन मैंने इसका राइट ऑप्शन लिखवा दिया, चाय किसके पत्तों से प्राप्त होती है, तो आपका राइट आंसर यही रहेगा, कैमेलिया साइनेसिस। कैमेलिया साइनेसिस जो पौधा होता है उसके पत्तों से क्या होती है, हमारी चाय प्राप्त होती है। ओके क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। अच्छा ये बताओ, चाय में निश्चेतक के रूप में पदार्थ होता है, निश्चेतक, समझते हो ना, निश्चेतक क्या होता है आपका, निश्चेतक, चाय में निश्चेतक के रूप में होता है, रूप में होता है, कुनेन, अरे नहीं यार, कैफीन, अरे यार हाँ यही हो सकता, कैफीन होता है, ठीक है, मॉर्फीन होता है, ठीक है, दूसरा नंबर है मेरे पास निकोटीन होता है, ठीक है बेटे, सब ये निश्चेतक के रूप में होते हैं, यानी कि जिनको सूंघकर, यानी कि जिनको खाकर, या फिर जिनके सुगंध से निश्चेतक मतलब बेहोशी उत्पन्न होना या नशा चढ़ना, वो सब क्या होता है तुम्हारे पास, निश्चेतक होते हैं। और चौथा नंबर मेरे पास आता है कुनेन, जरा मुझे इसका राइट आंसर बताओ बेटे, राइट आंसर कौन सा होगा इसका, कि चाय में निश्चेतक के रूप में होता है, कैफीन होता है, मॉर्फिन होता है, निकोटीन होता है, कुनेन होता है, तो बेटे कैफीन होता है, ठीक है, क्या होता है, कैफीन होता है, निकोटीन तंबाकू में पाया जाता, पूछ सकता पेपर में आपसे कि निकोटीन कहाँ पाया जाता, तंबाकू में पाया जाता। क्वेश्चन नंबर 13 मेरे पास है, क्वेश्चन नंबर 13 मेरे पास है, जरा ध्यान देना, किस भारतीय राज्य को, बहुत मोस्ट क्वेश्चन है भाई, इस बार बीएड के पेपर में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि किस भारतीय राज्य को, ध्यान देना, किस भारतीय राज्य को, ठीक है, राज्य को मसालों का उद्यान कहते हैं, मसालों का क्या बोलते हैं हम, मसालों का उद्यान कहते हैं, उद्यान कहते हैं। तो मेरे पास बेटे चार ऑप्शन होंगे, चारों सही लगेंगे, केवल एक ही आंसर सही होगा। पहला है मेरे पास केरल, सेकेंड नंबर है मेरे पास तमिलनाडु, तमिलनाडु भैया हम तो गए ना कभी यहाँ, ना तो केरल गए हैं ना तमिलनाडु गए हैं। थर्ड नंबर है मेरे पास कर्नाटक, क्या है मेरे पास, कर्नाटक। और फोर्थ नंबर है मेरे पास पंजाब। जरा मुझे बताओ कि भाई किस भारतीय राज्य को मसालों का अध्ययन कहते हैं, तो एक ही आंसर है इसका और वह है केरल। केरल को हम क्या बोलते हैं, मसालों का अध्ययन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर मैं 14 ले रहा हूँ बिना समय गवाए, और क्वेश्चन नंबर 14 मेरे पास होगा, क्वेश्चन नंबर 14 मेरे पास है, किस मसाले को काला सोना कहते हैं, किस मसाले को काला सोना कहते हैं, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस मसाले को
काला सोना कहते हैं। जरा मुझे बताओ किस मसाले को काला सोना कहते हैं, बताओ बेटे जरा, काला सोना कहते हैं। अरे यार किस मसाले को बोलते हैं, हाँ दालचीनी को कहते हैं। अरे नहीं यार, मन में बाजार तो आ रहा होगा दालचीना, दालचीनी। दूसरा नंबर मेरे पास है काली मिर्च, काली मिर्च, वाह क्या बात है। थर्ड ऑप्शन है मेरे पास काला धतूरा, अरे भैया काला धा तू रा, ये तो मैंने भी पहली बार सुनने हो, मैं तो उसका नाम इलायची, वाह क्या बात है, इलायची वाले पापे, इलायची। ठीक है, अब ज़रा मुझे बताओ बेटे कौन सा आंसर सही है इसका। तो हम क्या बोलते हैं, किस मसाले को हम क्या बोलते हैं, काला सोना कहते हैं। तो इसका एक राइट आंसर है क्या है, काली मिर्च को। तो काली मिर्च को हम क्या बोलते हैं, बताओ ज़रा काली मिर्च को हम क्या बोलते हैं, किस मसाले को काला सोना कहते हैं। तो काली मिर्च को हम बोलते हैं काला सोना, ओके काली मिर्च को काला सोना। अब ये बताओ दालचीनी कैसे प्राप्त होती है, क्वेश्चन नंबर 15, ध्यान देना क्वेश्चन नंबर 14 हो गए मेरे पास, ओके सर। तो क्वेश्चन 15 में ले रहा हूँ, क्वेश्चन 15 है मेरे पास, क्वेश्चन 15 कौन सा मेरे पास, दालचीनी, ओके दालचीनी प्राप्त होती है, दाल चीनी प्राप्त होती है, बताओ ज़रा दालचीनी प्राप्त होती है, किस चीज़ से प्राप्त होती है दालचीनी। इसका पहला आंसर क्या है बेटे, ज़रा मुझे बताओ, छाल से प्राप्त होती है, अरे यार छाल से क्या। दूसरा नंबर बताओ ज़रा मुझे, कैसे प्राप्त होती है, छाल से या फिर पत्ते से, हैं भाई, या फिर जड़ से, या फिर थर्ड नंबर मेरे पास हो गया, थर्ड नंबर मेरे पास हो गया फूल से, बताओ ज़रा दालचीनी प्राप्त होती है किस, यानी कि दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त होती है, कहने का मतलब यह है तो छाल से प्राप्त होती है। ध्यान देना जो दालचीनी होती है बेटे वो छाल से प्राप्त होती है। क्वेश्चन 15 हो गए मेरे पास। अगर मैं क्वेश्चन 16 की बात करूं तो क्वेश्चन 16 मेरे पास बड़ा स्पेशल क्वेश्चन है, वो यह है कि ज़रा मुझे बताओ ज्वार कहाँ से आई, कौन लाया ज्वार को भारत में। तो ज्वार जो है ना, ज्वार मूल निवासी है अफ्रीका की, अफ्रीका के जंगलों में ज्वार पाई जाती थी किसी समय, वहाँ से फिर इधर उधर ट्रांसफ़र हो गई। तो ज्वार मूल निवासी है, किस चीज़ की है, ज्वार मूल निवासी है, जरा मुझे इसका आंसर बताओ बेटे, ज्वार मूल निवासी है। इसका जो पहला आंसर है राइट, वो आंसर होगा मेरे पास, देखते हैं कौन सा आंसर है। तो मैंने ले लिया पहले अमेरिका की, ठीक है, भारत की, ठीक है, और थर्ड ऑप्शन मैंने, और सेकंड ऑप्शन मैंने लिखा है अफ्रीका, ठीक है, क्या लिखा है मैंने, अफ्रीका, ओके सर। और जो फोर्थ ऑप्शन है मेरे पास बेटे, वो मैंने लिखा है अमेरिका, अफ्रीका, भारत, रूस। चला मुझे बताओ इसमें सर राइट आंसर कौन सा, अफ्रीका की है, बिना समय गवाए ज्वार मूल निवासी है कहाँ की, अफ्रीका की है। ध्यान देना ज्वार मूल निवासी कहाँ की है बेटे, अफ्रीका की है, ओके। क्वेश्चन नंबर 17 की मैं बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 17 इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन ध्यान देना, किस मसाले को, किस मसाले को, किस मसाले को मसालों की रानी कहा जाता है, मसालों की रानी कहा जाता है, रानी कहा जाता, वाह वाह पहली बार सुन रहा हूँ मैं तो सबका आंसर। तो पहला नंबर है मेरे पास अदरक, अरे यार, दूसरा नंबर मेरे पास है जायफल, ओ माय गॉड बड़ा शानदार नाम है, और तीसरा नंबर है मेरे पास, बताओ ज़रा, तीसरा नंबर है अदरक, जायफल, और थर्ड नंबर है मेरे पास, थर्ड नंबर है मेरे पास इलायची, इलायची, और फोर्थ नंबर है मेरे पास इलायची, फोर्थ नंबर है मेरे पास लौंग। जरा बताओ किसे कहते हैं हम, किस मसाले को मसालों की रानी कहा जाता है, तो बेटा इलायची को, किसको बोलाया था, इलायची को बोलाया था, थर्ड नंबर इसका ऑप्शन। तो इलायची को हम क्या बोलते हैं, मसालों की रानी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आ जाता है मेरे पास, गेहूं के बोनेपन, गेहूं के बोनेपन, बोनेपन के लिए उत्तरदायी है, के लिए उत्तरदायी है, ओके सर जरा मुझे बताओ उत्तरदायी है, इसका राइट आंसर क्या होगा, गेहूं के बोनेपन के लिए उत्तरदायी है, क्या उत्तरदायी है, नोरिन 10, क्यू 10 भी आता है, मोरिन 10 भी आता है, और नोरिन 10 भी आता है। तो उसका राइट आंसर क्या है बेटे, पहले ऑप्शन में डायरेक्ट ठोक दे रहा हूँ, नोरिन 10, नोरिन 10, ठीक है, ये इसका राइट आंसर है, ऑप्शन मैंने दिए नहीं है। क्वेश्चन होगा 18, ठीक है। अब दो क्वेश्चन मेरे पास और बचे हैं, वो क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ, इसे मैं कर देता हूँ इरेज, और भैया बिल्कुल ईजी क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूँ आपको। अब 18 क्वेश्चन हो गए मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 19 में देखो ज़रा बेटे, क्वेश्चन नंबर 19 में देखो, ये बताओ अनाज किस कुल का सदस्य है, अनाज किस कुल का सदस्य है, अनाज किस कुल का सदस्य है, इसका राइट आंसर कौन सा होगा। ऑप्शन दे रहा हूँ मैं करने के लिए, कोई घबराओ मत यार, अनाज किस कुल का सदस्य है। तो पहला ऑप्शन है फेबेसी, ओके, सेकंड ऑप्शन में दे रहा हूँ पोएसी, ओ माय गॉड, और थर्ड ऑप्शन में दे रहा हूँ करने के लिए, ठीक है, ब्रेसिसी,
और फोर्थ ऑप्शन मैंने दिया है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। जरा मुझे बताओ बेटे कौन सा राइट आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं, कौन सा आंसर राइट है इनमें से कोई नहीं, जरा बताओ मुझे। तो पोएसी क्या है, अनाज किस कुल का सदस्य है, तो पोएसी कुल का सदस्य है कौन, अनाज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट क्वेश्चन है मेरे पास, और इस लास्ट क्वेश्चन में बेटे जरा थोड़ा ध्यान देना है। रागी किसका स्रोत है, रागी किसका स्रोत है, ठीक है, रागी किसका स्रोत है। ओके सर, जरा ऑप्शन भी दे दो सर, कैल्शियम का, ओ देखते हैं सर कैल्शियम का होता नहीं होता। दूसरा क्या है मेरे पास, दूसरा नंबर कौन सा है भाई, दूसरा नंबर है मेरे पास कोवाल्ट का, है भाई कोवाल्ट का होगा। थर्ड नंबर मेरे पास क्या है, सोडियम का होगा। थर्ड नंबर मेरे पास है स्टार्च का होगा, और फोर्थ नंबर है मेरे पास प्रोटीन का होगा। जरा बताओ बेटे रागी किसका स्रोत है, तो कैल्शियम का स्रोत है, रागी से हमें क्या मिलता है, कैल्शियम मिलता है। इस चैप्टर के 20 क्वेश्चन पूरे हो जाते हैं, अब इन्हीं क्वेश्चन को बार बार रिपीट करते रहना, देखते रहना, ताकि इनमें से अगर कोई क्वेश्चन आए तो छूट के ना जाए, ध्यान देना। और सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं। अब ऐसे ही नए टॉपिक के साथ मिलते हैं नई वीडियो में, थैंक्स।